केजीएफ के मेकर प्रशांत नील ने अपनी नई फिल्म सालार का टीजर रिलीज कर दिया है। रिलीज होते ही टीजर फैंस के बीच छा गया है और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। सालार का टीजर गुरुवार 6 जुलाई को सुबह 5:12 पर रिलीज किया गया और फैंस की सुबह जश्न में बदल गई। वो कई दिनों से सालार को लेकर अपडेट मांग रहे थे और ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे। सालार के टीजर में धांसू एक्शन की ऐसी झलक है जिसे देख कोई भी हैरान रह जाए। टीजर रिलीज होने के आधे घंटे से ही इसे यूट्यूब पर 2.5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके थे। टीजर की शुरुआत एक शख्स से होती है जो कि गाड़ी पर बैठा है और काफी सारे लोग उसकी ओर राइफल और अन्य हथियार ताने कुछ कुछ बोल रहे हैं। तब वह कहता है कि सिंपल इंग्लिश, नो कंफ्यूजन, आई एम चीता, टाइगर, एलिफेंट, वेरी डेंजरस बट नॉट इन जुरासिक पार्क, क्योंकि इस पार्क में, बस इतना कहती वह शख्स रुक जाता है। यह शख्स है टीनू आनंद जो सालार में एक अहम रोल में है। इसके बाद सीन कट होता है और प्रभास हाथ में चाकू और राइफल लिए दुश्मनों पर एक साथ टूटते नजर आते हैं। टीजर में प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन की भी खौफनाक झलक है। लग रहा है कि वह फिल्म में विलेन के रोल में है। सालार कितनी दमदार होगी, प्रशांत नील इसकी झलक टीजर में दिखा चुके हैं। अब फैंस को इसकी रिलीज का इंतजार है। टीजर में ही वह सब कुछ है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि थिएटर्स में यह फिल्म दर्शकों को सीट से उठने ही नहीं देगी। टीजर देखकर फैंस ट्विटर और यूट्यूब पर रिएक्शन शेयर कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह मूवी ब्लॉकबस्टर होगी। केजीएफ 2 के क्लाइमैक्स में 5:12 पर रॉकी भाई पर अटैक होता है और रॉकी का जहाज समंदर में डूब जाता है। अब प्रभास की सालार की टीजर को रिलीज करने का समय सुबह के 5:12 रखा गया है। ऐसा लग रहा है कि प्रशांत नील की तरफ से यह कोई मास्टर प्लान है ताकि केजीएफ 2 और सालार के बीच तगड़ा कलेक्शन जोड़ा जा सके। सालार 28 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म में प्रभास के अलावा टीनू आनंद, पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन और जगपति बाबू हैं। इसे कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम के अलावा हिंदी भाषा में भी पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा। सालार का यह पहला पार्ट है। इस फिल्म के जरिए प्रभास और प्रशांत नील पहली बार साथ काम कर रहे हैं।